हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग टॉप ऐसे 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हार्मोनल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ही नेसेसरी है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी महिलाओं को और इवन पुरुषों को भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है। ज्यादा जो होती है महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट महिलाओं में पुरुषों में दोनों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वीडियो में हम वही बात करेंगे कि टॉप ऐसे 6 न्यूट्रिएंट्स जो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ये वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड होलिस्टिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनकी कमी के कारण कुछ कुछ सिम्टम्स हमारे बॉडी में आने लग जाते हैं, तो उसमें यह हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनफैक्ट कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो उसको भी सही करने के लिए हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए या उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है या पहला जो विटामिन है वो है विटामिन D3। विटामिन डी एक्चुअली हमारे शरीर में हार्मोन की तरह ही काम करता है, और ये हमारे हार्मोन रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी अगर कमी आपको रहेगी तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे हार्मोन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसकी अगर कमी रहेगी तो एस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो सकता है, मतलब एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाता है, और एस्ट्रोजन लेवल लो होने के कारण फिर मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, स्लीप प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज आपको दिख सकते हैं, और पीरियड में भी प्रॉब्लम आ जाती है। पीरियड में फ्लू बराबर से नहीं रहता है या पीरियड डिले हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं। सो आपको देखना चाहिए कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो आप उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हो। इसके जो फूड सोर्सेज है वो है फैटी फिश, सैल्मन, मैकरल, इसके अंदर ये अवेलेबल होता है। उसी के साथ जो एग योक है, एक्चुअली एग का जो येलो पार्ट है उसमें विटामिन डी होता है, उसी के साथ अवोकाडो और मशरूम, इसके अंदर भी विटामिन डी अवेलेबल होता है। और जो दूसरा सोर्स है वो है सनलाइट। तो सनलाइट एक अच्छा सोर्स है, बट आपको 20 मिनट से आधा घंटा डेली सनलाइट लेना पड़ेगा, और उसी के साथ आपको अच्छे फैट्स लेना भी जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी ये एक फैट सोल्युबल विटामिन है, और जब हमारे शरीर पे सनरेज पड़ते हैं तब जो एक फैट लेयर होता है उसके अंदर ये विटामिन डी बनता है, और ये अब्सॉर्ब भी होता है फैट्स के अंदर। इसलिए अगर आपको विटामिन डी की कमी रहेगी तो आपको अच्छे फैट्स लेना भी जरूरी है विटामिन डी को अब्सॉर्ब करने के लिए। फिर अगला जो विटामिन है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे हार्मोनल हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए, हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, और इवन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी। तो मैग्नीशियम की अगर कमी रहेगी तो बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेडेक, माइग्रेन, मसल में क्रैम्प्स आ सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को मैग्नीशियम की कमी के कारण पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम भी होती है, तो इसीलिए मैग्नीशियम हमारे शरीर में सही रहना बहुत ही जरूरी है ताकि ये सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में ना आए। तो मैग्नीशियम के जो फूड सोर्सेज है वो है डार्क लीफी वेजिटेबल्स, अवोकाडो, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड, कैशू, डार्क चॉकलेट, इसके अंदर मैग्नीशियम अवेलेबल होता है। अगला जो विटामिन है वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण यह है कि हार्मोन्स बनाने के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जरूरत होती है, और उसी के साथ ये हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको रिड्यूस करता है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। तो इसके लिए आपको रेगुलर बेस पे जो जो खाने में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होती है वो लेना जरूरी होता है, और बाकी जो उसका फंक्शन है और ये हॉर्मोन्स और ब्रेन के अलावा हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और ब्लड वेसल्स को ठीक रखने के लिए, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है ओमेगा 3 के। तो ओमेगा 3 ओवरऑल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही आवश्यक विटामिन है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए और हमारे हार्मोन्स के लिए भी। और इसकी कमी हो जाती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, भूलने की बीमारी हो सकती है, तो इसीलिए ओमेगा 3 ये इम्पॉर्टेंट है। इसके जो फूड सोर्सेस है वो है फैटी फिश, एग योक,
और फ्लैक्स सीड्स है, नट्स है, इसके अंदर ओमेगा 3 अवेलेबल होता है, तो आप ये सारी चीजें ले सकते हो। और अगर ये खाना पॉसिबल नहीं है तो आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हो। फिर अगला जो विटामिन है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली विटामिन B1, B6, B9 एंड B12। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे ब्रेन से जो भी सिग्नल जाते हैं वो ये सारे विटामिन रेगुलेट करते हैं। तो ब्रेन से जो सिग्नल जाता है उसी के वजह से हमारे हॉर्मोन्स भी काम करते हैं। तो अगर ये सारे विटामिन की डेफिशिएंसी रहेगी तो हमारे ब्रेन से बॉडी में सिग्नल बराबर से नहीं जाएंगे और आपको फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी रहेगी। इसीलिए बी विटामिन ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारे हॉर्मोन्स के लिए भी उतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर अगला जो विटामिन है वो है अश्वगंधा। क्यों वो अभी देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में क्रिएट करती है। जो एक स्ट्रेस हार्मोन है उसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। कॉर्टिसोल जब हाई होता है तो शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और इवन हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेस कंट्रोल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऑफिस वर्क या इवन फैमिली की वजह से भी स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है, तो उसके कारण ये कॉर्टिसोल हार्मोन भी हाई हो जाता है। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन को लो करने के लिए अश्वगंधा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स ले सकते हो अगर आपको ऐसे फील होता है कि आपको नींद बराबर से नहीं आ रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा है या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो आप इसके सप्लीमेंट जरूर ले सकते हो। इवन थायराइड फंक्शनिंग के लिए भी अश्वगंधा काफी हेल्पफुल होता है। तो स्पेशली अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर्स है, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपर थायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, तो आप अश्वगंधा ले सकते हो। फिर अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन ई। विटामिन ई डायरेक्टली हॉर्मोन्स के लिए काम नहीं करता या कोई भी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काम नहीं करता, पर जो हॉर्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शरीर में जो जो सिम्टम्स आते हैं उनको कम करने के लिए विटामिन ई काफी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि इस्ट्रोजन इम्बैलेंस, मतलब इस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है तो फिर महिलाओं के शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि पेनफुल पीरियड्स, हेवी पीरियड्स, ब्रेस्ट में लंप आना, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होना या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होना। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं इस्ट्रोजन डोमिनेंस या इस्ट्रोजन लेवल हाई होने के कारण। तो ये सारे सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए विटामिन ई काफी हेल्पफुल होता है। बहुत सारे स्टडीज में ऐसे पाया गया है कि जो जो महिलाओं को हेवी पीरियड की प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में लंप है या पेनफुल पीरियड की प्रॉब्लम है, उसको कम करने के लिए विटामिन ई काफी हेल्पफुल रहा है। तो जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है बॉडी में, उसको कम करने के लिए विटामिन ई हेल्पफुल रहता है, क्योंकि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर में से इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। इसके लिए विटामिन ई रिच फूड भी लेना आपको जरूरी है अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो। और इसके फूड सोर्सेज जो है वो है स्पिनच, मतलब पालक, फिर जितने भी डार्क लीफी वेजिटेबल्स है उसके अंदर विटामिन ई होता है, उसी के साथ सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, ऑलिव ऑयल, इनके अंदर भी विटामिन ई अवेलेबल होता है। तो ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे हॉर्मोन्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको भी हॉर्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो फिर आप ये न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो, ये जो जो खाने में इनकी मात्रा ज्यादा होती है वो ले सकते हो या इसके सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आगे भी अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखना है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।